गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विजय शर्मा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आवर टूडेज टॉपिक इज फॉर क्लास 11th, दैट इज द लबरनम टॉप। लबरनम मीन्स दिस इज ए शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। दैट इज वेरी शॉर्ट। अब इस पोएम में क्या कहा गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? It has been written by Ted Hughes. Ted Hughes. अब इस लबरनम यानी अमलतास के पेड़ के बारे में क्या बताते हैं? The laburnum top is silent, quiet, still in the afternoon, yellow September sunlight. जो लबरनम का टॉप है यानी उसका शिखर जो है उस अमलतास के वृक्ष का, कैसा है वो? एकदम स्थिर या शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर, वहाँ किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल एक चुप्पी सी है, नीरस सा माहौल वहाँ पर है। समय कैसा है अब? इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। दोपहर का समय है, सेप्टेम्बर का मंथ है, और कैसी दोपहर है? येलो सेप्टेम्बर, यानी उस समय सनलाइट जो है येलो कलर शो कर रही है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और उस अमलतास, उस लबरनम की कुछ पत्तियां, कुछ लीव्स जो है येलोविश हो रही है, येलो कलर में हो रही है, और उसके जो सीड्स है, अब अमलतास या लबरनम के सीड्स कैसे होते? वेरी पाइजनस होते हैं, जो कि सारे बीज जो है, हो सकता है वो ऑटम है, ऑटम सीजन में सारी पत्तियां बीज नीचे गिर जाते हैं, तो इस सीजन में उसके सारे सीड्स जो है गिर चुके हैं, और उसकी जो लीव्स है वो थोड़ा सा उनका जो कलर है वो येलो कलर हो गया, पीला कलर हो गया। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए चीचिंग चिर्प, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। अब ये चुप्पी या शांत कब तक रहती है, ये वाला एटमॉस्फेयर लबरनम ट्री के वहाँ? जब तक गोल्ड फिंच, अब ये गोल्ड फिंच क्या है? गोल्ड फिंच इज ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड हैविंग येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। छोटा सा पक्षी है जो बहुत मधुर आवाज या तेज आवाज साउंड के साथ आता है, सिंगिंग बर्ड्स बोलते हैं इसको, वो जब तक नहीं आता है तब तक उस अमलतास या उस लबरनम के ट्री पर एक अजीब सी शांति है, स्थिरता है। जैसे ही ये कैसे आता है गोल्ड फिंच? चीचिंग चीर, एक तेज चहचहाट की आवाज के साथ ये आता है, अकस्मात आता है, सडननेस, स्टार्टलमेंट, एक चौंक करना, इधर से उधर, उधर से इधर, इसका मूवमेंट होता है एट ए ब्रांच एंड। और कहाँ पर होता है ये? ये सब होता है उसकी ब्रांच की, जो जितनी उसकी ब्रांचेस है उस शाखाओं के अंत पर, एंड पर। देन स्लीक एज ए लिजार्ड। अब पोएट यहाँ पर ये बोलता है कि जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो कैसा है, उसकी जो तुलना है या उसको कंपेयर करा है वो एक लिजार्ड यानी छिपकली से उसकी को कंपेयर करा है। जैसी लिजार्ड स्मूथ होती है, स्लीक होती, चिकनी होती है, उसी प्रकार से गोल्ड फिंच एकदम चिकना बर्ड। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और कैसा है वो? चौकन्ना है, जरा से साउंड पे वो इधर से उधर हो जाता है। दूसरा एब्रप्ट है, यानी उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इधर से उधर, उधर से इधर। शी एंटर्स द थीकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट अप ऑफ चिटरिंग्स। जैसे ही उस अमलतास या लबरनम ट्री के पत्तों के, घने पत्तों के बीच में गोल्ड फिंच एंट्री करता है या एंटर्स होता है, उस समय क्या होता है? वहाँ एक मशीन सी चालू हो जाती। अब मशीन कैसी चालू होती है? चहचहाट की मशीन चालू हो जाती है, चारों ओर चहचहाट की आवाज आने लगती है। उसको पोएट बोल रहा है कि एक मशीन सी चालू हो जाती है। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। और साथ में क्या होता है, जो विंग्स होते हैं
पंखों के कंपन स्टार्ट हो जाते हैं वहां पर, साथ ही जो उनकी चिरपिंग वाली साउंड है या पंख से, उससे एक रोमांच सा पैदा हो जाता है। यानी जो लबरनम का ट्री है, जहाँ वहाँ पर जो शांति थी वो कैसी हो जाती है, शांति खत्म हो जाती है, बिल्कुल लाइवली सीन नज़र आने लगता है। मतलब ऐसा लगता है मान लो कोई चीज़ शांति खत्म हो गई और वो जीवित हो चुका हो। इट इज़ द इंजिन ऑफ हर फैमिली। और ये जो ट्री है लबरनम ट्रीज, ये उनकी फैमिली का जो है एक इंजन है, यानी उनकी फैमिली को चलाने का काम करता है, उनकी फैमिली के लिए फ्यूल का काम करता है, खाने पाने फूड का काम करता है। फूड बोल ले हम तो ज़्यादा बेटर होगा। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और उसके बाद गोल्डफिंच क्या करता है, बाहर आ जाता है। कहाँ से बाहर आ जाता है, उस घने वृक्ष के पत्तों के बीच से फिर से बाहर आता है। एंड शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी, पहले वो क्या करता है, उन पत्तों से बाहर आ जाता है और उसकी आइडेंटिटी बताता है। कैसी आइडेंटिटी, उसका जो फेस नहीं दिख रहा था, जो मास्क था उसको हटा के अपने फेस को दिखाता है वृक्ष से बाहर आकर के। अब उसने उस वृक्ष को, जिसको कि इंजन कहा है, उसको क्या बताया है, उसको इनका फ्यूल चार्ज कर देता है उसको, कि वो रोमांचित हो जाता है वृक्ष। कब होता है, जब गोल्डफिंच आता है। देन विथ ईरी डेलिकेट व्हिसल चिरप विस्परिंग, और उसके बाद एक अजीब सी, एक नाजुक सी सीटी, चहचहाट, सीटी जैसी चहचहाट की फुसफुसाहट के साथ शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और इस प्रकार की आवाज, नाजुक, एक सीटी नुमा, एक चहचहाट की फुसफुसाहट के साथ वो फिर अपनी उड़ान के लिए वहाँ से चला जाता है, अनंत की ओर चला जाता है। और फिर से वो जो ट्री है कैसा हो जाता है, जैसा वो पहले शांत था, स्थिर था, उस प्रकार से हो जाता है। इन दिस पोयम पोएट डिस्क्राइब्स आर द ट्री सिंबलाइजेस अवर यूजुअल लाइफ, द पैटर्न ऑफ अवर यूजुअल लाइफ दैट इज डल एंड हु ब्रेक्स इट, गोल्ड फिंच ब्रेक्स इट एंड मेक्स इट सो लाइव। इन शॉर्ट वी से व्हाट इज व्हाट, अवर एटीट्यूड्स आर द एटीट्यूड्स ऑफ पर्सन मेक्स अवर यूजुअल लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। मीन्स हमारी लाइफ को, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है लाइफ के प्रति, वो कैसा बना देता है हमारी लाइफ को, सार्थक बना देता है, अर्थपूर्ण बना देता है, साथ ही वो क्या करता है, उसको वर्थ लिविंग, जीने के योग्य बना देता है। दैट्स ऑल, आई विल कम सून टेकिंग नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, जय श्री।